इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में आकाश नगर के समीप सिरपुर तालाब से पुलिस को शुक्रवार सुबह हाथ पैर बंधी लाश मिली, जिसे बाहर निकाला गया तो उसकी आंखें फूटी हुई थी और सिर को कुचल दिया गया था। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसे हत्या करार दिया है। सीएसपी देवेंद्र सिंह ध्रुवे ने बताया कि द्वारकापुरी थाना पुलिस को शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि सिरपुर तालाब के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थरों पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं। सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने SDRF और FSL की टीम को बुलाया, जिसके बाद तालाब में सर्चिंग शुरू की गई। कुछ ही देर में पुलिस को हाथ पैर बंधी लाश मिली, जिसकी शिनाख्त आकाश नगर निवासी सुनील के रूप में हुई, जो ताला चाबी बनाने का काम करता था। मृतक के चाचा गोटू सिंह ने बताया कि सुनील का क्षेत्र में ही रहने वाले कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, उन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया है। इधर पुलिस को मौके से शराब की बोतल और अन्य सामान भी मिला। ऐसे में संभावना है कि सुनील ने जिन लोगों के साथ बैठकर शराब पी, संभवतः उन्हीं ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जिसके साथ में ये घटना हुई है कि 5-6 दिन पहले झगड़ा हुआ था अंतर सिंह से। अंतर सिंह से झगड़ा हुआ था तो हमने समझौता कर दिया था कि मुझे चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में उसके छोरे के साथ में रात को इनका 11 बजे रात को झगड़ा हुआ। फिर भी हमने अलग अलग कर दिए थे, इनको समझा दिए थे। समझा के फिर हमने फिर उसने अतर सिंह के लड़के ने हमको एक क्वार्टर लेने पहुंचा, बोले कि तुम क्वार्टर लेने जा रहे हो तो हमारा भी एक क्वार्टर ला देना। ठीक है, बनके ला देंगे। तो हमने क्वार्टर इनका ला के दिया तो ये हमको उस टाइम पे मिले नहीं। अच्छा, तो और इनके साथ में सुनील को हम छोड़ गए। क्या लगता है कि किसने हत्या की होगी आपके भतीजे? ये हमको तो भरोसा है कि ये काल्या और सोनू दो ही है। तो उसी सूचना के आधार पे पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची, उनके द्वारा यहाँ पे सर्चिंग कराई गई, जिसमें FSL को भी बुलाया गया और SDRF की टीम को बुलाया गया। चूंकि यहाँ पे सिरपुर तालाब भी है तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है और कुछ साथी भी थे जिनके साथ इस मृतक जो कि इसका नाम सुनील, पिता चिराग, उम्र 22 वर्ष, निवासी आकाश नगर है। ये रात में इनके साथ आखिरी बार यहाँ पे देखा गया था और उसके बाद से लापता था। और जब यहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम ने देखा तो उसका शव जो है बंधी हुई हालत में तालाब से बरामद किया है।